दोस्तों, सिंघम अगेन दिवाली की छुट्टी पर दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जहां इसका भूल भुलैया 3 से क्लैश हुआ। पहले हफ्ते से कार्तिक आर्यन की यह फिल्म सिंघम अगेन से कमाई में बहुत आगे थी। अब हाल ये है कि 150 करोड़ के बजट में बनी भूल भुलैया 3 न सिर्फ 10वें दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, बल्कि ओपनिंग वीकेंड में धूम 3, डंकी, एक था टाइगर, चेन्नई एक्सप्रेस और दंगल को पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म ट्रेड ने सिंघम अगेन को फ्लॉप घोषित कर दिया है। करीब 350 करोड़ रुपए में बनी फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज के 10वें दिन मुश्किल से 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। फिल्म कारोबार से जुड़े लोग मानते हैं कि फिल्म भूल भुलैया 3 के सामने सिंघम अगेन के डटे रहने से फिल्म ट्रेड को होने वाला नुकसान आने वाले दिनों में 100 करोड़ रुपए के ऊपर भी जा सकता है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।